हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टैली से रिलेटेड कि टैली कैसे ओपन करेंगे और शट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और गेटवे ऑफ टैली के इंटरफेस के बारे में बताया था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो ग्रुप और वाउचर से रिलेटेड होगा, और मैं कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आप टैली को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे ग्रुप्स के बारे में, वाउचर्स के बारे में, और कुछ बेसिक्स अकाउंट्स भी हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग टैली को बेहतर तरीके से सीख सकें। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है। ओके सो बेसिकली अकाउंट्स क्या होता है, वी कीप रिकॉर्ड ऑन टैली of financial transactions of any business to record, to get summary and to analyze information at the end of the financial year or whatever the period you want to get the summary or the information to analyze the report. So basically accounts kya hota hai? Accounts term represent karta hai transactions ke recording ko, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग, जिसकी हेल्प से हम समरी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस के किसी एक टाइम पर, किसी एक पीरियड पर। जनरली हम लोग फिनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। सॉरी सो अकाउंट्स बेसिकली डेटा को, रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को कीप रिकॉर्ड करने के लिए एक बेसिक टर्म होता है जिसके बेसिस पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, इट मीन्स जिसको एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जिसका जिसको हम लोग मनी के टर्म में इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके सो उसको हम लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो अकाउंट्स बेसिकली किसका किसका हो सकता है, एंटरप्रेन्योर्स का हो सकता है, इन्वेस्टर्स का हो सकता है, अदर्स यूनिटीज एंटिटीज, देन आपका एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स के लिए, बैंक्स के लिए, अदर्स में आपका कोई सपोज कोई क्रेडिटर है, कोई डेटर है, या बहुत सारे और भी एंटिटीज है जो बिजनेस कंसर्न से जुड़े होते हैं जिससे रिलेटेड आप डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ओके तो इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसके बेसिस पे हम लोग उनको तीन कैटेगरी में पाते हैं, रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके सो रियल अकाउंट बेसिकली क्या होते हैं, जैसे एसेट्स हो गए, आपके बिल्डिंग हो गए, गुडविल हो गए, परचेज हो गए, कैश हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। ओके जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, तो ये सारे रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट में आपके बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिनको हम लोग अकाउंट्स के रूप में मेंटेन करते हैं। जैसे एसेट, सपोज सपोज आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया। ओके तो बिल्डिंग इज अ अकाउंट। ओके तो हम लोग बिल्डिंग को अकाउंट के वे पे रिकॉर्ड करेंगे। देन सपोज आपने कुछ सामान खरीदा, तो परचेज इज अ अकाउंट, तो परचेज को आप अकाउंट के रूप में स्टोर करेंगे। सो दीज आर द अकाउंट्स व्हिच इज नोन एज रियल अकाउंट। ओके देन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ पर्सन। पर्सन अकाउंट जो वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन को करता है, विच रिप्रेजेंट एनी कंपनी, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, विच रिप्रेजेंट एनी फॉर्म, विच रिप्रेजेंट एनी नेम। ओके सो लाइक डेटर, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स। डेटर हम उसको बोलते हैं जिसको हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं। ओके सपोज मैंने सुरेश को सामान बेचा और सुरेश ने अभी मुझे पैसा नहीं दिया, इट मीन्स मैंने उसे उधार में सामान बेचा क्रेडिट पे, तो सुरेश अभी मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। ओके सिमिलरली उसी तरह से अगर मैंने एसके एंटरप्राइजेस से सपोज सामान खरीदा, परचेज किया, ओके बट मैंने उसे अभी पैसे नहीं दिए, मैं पैसे उसे बाद में दूंगा, तो दैट इज माई क्रेडिटर, इट मीन्स एसके एंटरप्राइजेस मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। कस्टमर्स, नॉर्मल कस्टमर्स जिसको हम सामान बेचते हैं। ओके देन सपोज कोई कंपनी है,
एबीसी लिमिटेड है, एक्स वाई जेड लिमिटेड है, जैसे सपोज आपने एचपी से कोई सामान खरीदा तो एचपी हो गई, तो ये सारे पर्सनल अकाउंट्स में आएगा जो किसी नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। देन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जनरली चार चीजें आती है, कोई इनकम, कोई एक्सपेंसेस, कोई प्रॉफिट और किसी तरह का लॉस। सपोज आपको कोई इनकम हुआ है, सेल ऑफ सेल ऑन प्रॉफिट, ठीक है, सेल ऑन सेल ऑन गुड्स किए, आपने गुड्स को सेल किया और आपको उससे कोई प्रॉफिट हुआ है, ओके, या फिर कोई भी अदर इनकम, सपोज आपको इनकम दिखाना है, ओके, आपको कुछ एक्सपेंसेस दिखाना है, इलेक्ट्रिसिटी पे किया आपने, आपने रेंट पे किया, आपने कमीशन पे किया और आपको डिविडेंड मिला, दैट इज योर इनकम, आपको प्रॉफिट हुआ है किसी सामान को बेचने में, आपको आपके पास कुछ स्क्रैप्स थे, कुछ वेस्टेज थे, रॉ मटेरियल्स कुछ वेस्ट थे जिनको जिनका कोई यूजेस नहीं था, आप उनको सेल कर दिए, उससे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, ओके, या फिर आपको किसी का लॉस हो गया किसी तरह का, जैसे लॉस बाय फायर होता है, कुछ सामान आपके जल गए उससे आपको कुछ लॉस हो गया, कुछ थेफ्ट से आपको लॉस हो गया, चोरी हो गया सामान, तो दीज आर द नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली चार कैटेगरी होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंट्स को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट सिंपली एसेट्स, सारे टाइप के जो एसेट्स होते हैं जिसको आप मनी में वैल्यूएट कर सकते हैं उनको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओके, गुडविल आपका एक्सेप्शन केस होता है, बट गुडविल का वैल्यूएशन होता है। गुडविल मीन्स ख्याति होती है, पॉपुलरिटी होती है। सपोज आपके नाम, आप ओके, देन आगे चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम है जिसके बेसिस पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। टू अकाउंट्स गेट अफेक्टेड विथ एवरी एंड ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट बेसिकली अफेक्ट होते हैं, ओके, वन शुड डेबिट एंड अनदर शुड क्रेडिट, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ओके। Used to record all financial transactions of business debit and credit format. इसके basis पर ये बताता है कि हम जो भी business में transactions करते हैं उसका recording हम लोग business में दो दो side में करते हैं, पहले side को debit बोला जाता है, दूसरे side को credit बोला जाता है, और इसी format में business के recordings को, financial transactions के record को maintain किया जाता है। Then verify with trial balance, और उसके बाद हम लोग trial balance से उसको verify करते हैं। Trial balance एक statement होता है जिसके basis पे हम लोग डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को मैच करते हैं, और अगर वो मैच करता है दैट इज ओके, इफ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो इट मींस कुछ एरर है और हम लोग उसके बेसिस पे वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। बट जब हम लोग टैली पे वर्क करेंगे तो टैली ट्रायल बैलेंस और जो भी स्टेटमेंट्स होता है वो ऑटोमेटिक रेडी करके देता है, आपको उसको बनाना नहीं होता है, सो आप इजी वे में वेरीफाई कर सकते हैं और उसको मैच कर सकते हैं। फिनेंशियल पोजिशन कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। सो हम लोग ईयर के एंड में या किसी पीरियड के एंड में जब हम लोग इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में, हमको लॉस कितना हुआ बिजनेस में, या फिर मेरा अभी एसेट्स का वैल्यू कितना है, मेरे पास बैंक में बैलेंस कितना है, मेरे पास कैश कितना है, मेरा लाइबिलिटी कितना है, इट मीन्स हमको कितना पे करना बाकी है, लोन कितना है मेरे ऊपर, तो ये सारे चीज़ों का जो स्टेटमेंट होता है उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट बोलते हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि आपका बिजनेस का पोजीशन कैसा है, ओके। सो ये तो बेसिक था। देन हम लोग थंब रूल पे आते हैं, थंब रूल या फिर उसको हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि बिजनेस में किस अकाउंट को डेबिट साइड में रखा जाता है और किस अकाउंट को क्रेडिट साइड में रखा जाता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बोला कि जब भी हम लोग बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग दो साइड पे रखते हैं, एक साइड डेबिट होता है, दूसरे साइड को क्रेडिट बोलते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट डेफिनेटली क्रेडिट होगा, या दो अकाउंट डेबिट हो सकता है, एक क्रेडिट हो सकता है, एक डेबिट होगा दो क्रेडिट होगा, इट मीन्स कि दोनों साइड अफेक्ट करेगा ना कि केवल एक साइड, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा ऐसा नहीं कि हम सारे अकाउंट को डेबिट में लिख दिए या सारे अकाउंट को क्रेडिट में लिख दिए, मिनिमम वन वन अकाउंट दोनों साइड सिमिलर अमाउंट पे अफेक्ट करेगा, ये फिक्स है। 1000 से कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो 1000 से ही कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, ओके। देन हम लोग इस अकाउंट्स के बेसिस पे अभी हम लोग देखें कि अकाउंट्स थ्री टाइप के होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो इफ रियल अकाउंट कोई होता है, इट मीन्स कि अगर कोई एसेट्स की बात आती है ट्रांजेक्शन में,
कोई एसेट्स आता है ट्रांजेक्शंस में तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा. तो डेबिट कब होगा कोई रियल अकाउंट, जब डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, देन अगर कोई बिजनेस में आ रहा है, सपोज आपने एसेट परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, तो बिल्डिंग बिजनेस में आ रहा है, आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, आपने मशीन परचेज किया, आपने प्लांट परचेज किया, आपने कोई इक्विपमेंट परचेज किया, तो जो भी आपने परचेज किया, जो भी गुड्स, जो भी एसेट, ओके, सो अगर वो बिजनेस में आता है दैट इज कम्स इन, और उसको हम लोग डेबिट कर देंगे. और इसके अगेंस्ट होगा, इट मींस अगर जाएगा बिजनेस से, जैसे सेल ऑन फर्नीचर, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ गुड्स, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गोज आउट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड. फॉर एग्जांपल परचेज इन कैश, ठीक है, हमने क्या किया, परचेज किया, कैश में परचेज किया, इट मींस कि हमने सामान लिया जिसके बिहाफ पे हमने परचेज अकाउंट लिखा, देन हमने कैश दिया, इट मींस कि परचेज यानी कि गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, इट मींस कम्स इन हो रहा है परचेज अकाउंट और गोज आउट हो रहा है कैश अकाउंट. ओके, सो परचेज अकाउंट को डेबिट साइड में लिखा जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. ओके, सिमिलरली कैश सेल्स, इट मींस कैश आ रहा है और सेल हो रहा है यानी कि गुड्स जा रहा है. ओके, तो कैश मेरा आया, इट मींस कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सेल्स यानी कि सामान जा रहा है यानी कि जो गोज आउट होगा उसको हम लोग क्रेडिट करके लिखेंगे. टू से क्रेडिट डिनोट होता है अगर हम लोग मैनुअली रिकॉर्डिंग करते हैं, बट अगर हम लोग टैली पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमको डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आएगा. डेबिट साइड में हम कैश अकाउंट को शो करेंगे और क्रेडिट साइड में हम सेल्स अकाउंट को शो करेंगे. देन पर्सनल अकाउंट के लिए आते हैं. पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी के नेम को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कोई कंपनी, कोई पर्सन का नेम, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कोई फर्म का नेम. ओके, सो डेबिट द रिसीवर, हम लोग डेबिट किसको करेंगे, जो रिसीव करेगा, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट उसको करेंगे जो गिव करेगा. सपोज मैंने एक ट्रांजेक्शन किया कि गुड्स सोल्ड टू मोहन. ओके, तो मैंने मोहन को सामान बेचा. ओके, देन मोहन क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सामान जा रहा है तो सेल्स लिखते हैं, सामान आ रहा है तो परचेज लिखते हैं. ओके, तो इस तरह से हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे एक एग्जांपल है, कैश पेड टू राम. ठीक है, कैश पेड किए राम को, यानी कि कैश मेरा क्या हो रहा है, जा रहा है, और राम को पेड किए यानी कि राम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है. ओके, तो रिसीवर है राम, तो राम यहाँ पर रिसीवर है, इट मींस राम को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे. जब भी कोई नेम लिखते हैं तो अकाउंट के अकाउंट लिखने के साथ साथ हम लोग उसमें एपोस्ट्रॉफी देंगे, क्योंकि राम से अकाउंट होगा, राम का अकाउंट, राम अकाउंट नहीं होगा तो वो रॉन्ग होता है. हम लोग राम से अकाउंट लिखेंगे या ओनली राम लिखेंगे. ओके, देन राम डेबिट हो गया, देन कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश यहाँ पर जा रहा है. सिमिलरली कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, अब राम से हम पैसा ले रहे हैं, इट मींस कि राम अभी क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, इट मींस राम क्या हो गया, गिवर हो गया, ये पैसा दे रहा है. ओके, राम इज अ गिवर, एंड कैश रिसीव किया यानी कि बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, देन कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश कम्स इन हो रहा है. देन टू राम्स हो गया, इट मींस कि राम को क्या किया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि राम इस समय गिवर है, तो रिसीवर इस केस में था, इस केस में गिवर है, तो हम लोग इस केस में राम को क्रेडिट करेंगे और इस केस में राम को डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल होता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट द रिसीवर, जो गिव करेगा उसको क्रेडिट करना है. देन हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे. नॉमिनल अकाउंट यानी कि कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस, कोई लॉस, कोई इनकम और कोई गेन. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होगा, जो भी बिजनेस में लॉसेस होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. देन क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी बिजनेस में गेन या प्रॉफिट होगा, कोई इनकम होगा, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे. सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या है, खर्च है, एक्सपेंसेस है, यानी कि इससे हमको क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस को हमको क्या करना है, तो जो भी एक्सपेंसेस मेरा होगा वो डेबिट में आएगा, तो एक्सपेंसेस मेरा डेबिट हो गया. और पेड कर रहे हैं, इट मींस कि मैंने पैसा दिया है, पेड किया यानी कि पैसा दिया, ठीक है, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश यहाँ पर जा रहा है, जो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और एक्सपेंसेस होगा तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम
एंड गेन. सपोज रेंट रिसीव किए, रेंट रिसीव किए इट मीन्स कि मेरे पास क्या हो रहा है बिजनेस में, इनकम हो रहा है. इनकम हो रहा है यानी कि हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा. तो कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट कर दिया. और रेंट रिसीव ये मेरे लिए टर्म क्या है, इनकम. ये मेरा इनकम का अकाउंट है. इनकम के अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट होगा. ओके, तो इस तरह से तीन अकाउंट होते हैं जिसके बेसिस पे तीन रूल है. ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से. रियल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा बिजनेस में उसको डेबिट करना है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा बिजनेस से उसको क्रेडिट करना है. देन पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे. क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे. देन अगर हम लोग नॉमिनल अकाउंट में आते हैं तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है और इनकम और गेन को क्रेडिट करना है. ओके, चलिए उसके बाद इम्पॉर्टेंस डॉक्यूमेंट इन अकाउंट. अब अकाउंट्स में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं जो हम लोग टैली में रिकॉर्ड करने के लिए यूज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाउचर्स की. तो वाउचर्स बेसिकली मैंने बताया था कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया होता है, जो ये दिखाता है कि आप अदर पार्टी के साथ क्या लेन देन किए हैं, कितने के ट्रांजेक्शन्स किए हैं, कब ट्रांजेक्शन्स किए हैं. ओके, सो व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑकर वी स्टोर्ड इन डिफरेंट वाउचर. जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम लोग डिफरेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं. यानी कि सिंपली ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, जैसे इनवॉइस और बिल सिंपल एग्जांपल लेते हैं. व्हेनेवर एनी परचेज और सेल इज डन विल बी शोन बाय द इनवॉइस और अ बिल. जब भी बिजनेस में कोई भी परचेज या सेल होगा तो उसको हम लोग इनवॉइस या बिल के थ्रू शो करते हैं. इट मींस कि परचेज और सेल के केस में ही हम लोग इनवॉइस या बिल रेडी करते हैं. देन रिसीप्ट वाउचर की बात करते हैं हम लोग. व्हेन वी टेक मनी फ्रॉम आवर कस्टमर्स, जब हम लोग अपने कस्टमर से मनी लेते हैं या फिर हम लोग जब अपने डेटर से मनी लेते हैं, जिसको हम सामान उधार में बेचे होंगे या किसी पर्पस के लिए हम उसको पैसा दिए होंगे, देन उससे अगर हम पैसा पा रहे हैं, मिल रहा है हमें पैसा, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, देन लेजर क्या होता है, तो लेजर मीन्स की एवरी ऑब्जेक्ट मीन्स की डेटा, कोई मशीन, कैश, एनीथिंग, एनी अकाउंट, और यू कैन से एनी एवरी ऑब्जेक्ट और एनी अकाउंट हैज एन अकाउंट इन आवर बुक कॉल्ड लेजर. ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन अकाउंट, हर ऑब्जेक्ट का एक अकाउंट होता है. डेटर का अकाउंट होगा, मशीन का अकाउंट होगा, कैश का अकाउंट होगा, तो ऑब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स ही हो गया वो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेजर बोलते हैं. टैली के फॉर्म में उसको लेजर बोलते हैं. जैसे मैंने बनाया बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट मीन्स क्या, तो SBI बैंक अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, PNB बैंक अकाउंट, तो दीज आर द लेजर इन टैली. ओके, जैसे मैंने बोला सुरेश को मैंने सामान बेचा, तो सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, तो सेल्स अकाउंट इज अ लेजर इन टैली. सुरेश इज अ लेजर इन टैली. SK एंटरप्राइजेस से मैंने सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट हो गया, तो परचेज अकाउंट इज अ लेजर इन टैली. ओके, देन कैश बुक इन विच वी रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन. कैश बुक जहां पर हम लोग केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं. ओके, देन बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होता है, तो वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन लेजर, कैश बुक एंड अदर अकाउंट बुक, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. सिंपली अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना डेली बेसिस पे. ओके, जिसमें आप लेजर, कैश बुक, अदर अकाउंट, सारी चीजों को मेंटेन करते हैं. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करेंगे, तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट आता है. ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा समराइज्ड रिपोर्ट होता है जो सेलिंग एंड परचेजिंग एक्सपेंसेस एंड ये सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करता है. इट मीन्स सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ये मेंटेन करता है, और उसके बेसिस पे ये एक रिपोर्ट देता है जिससे हमको बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो हुआ है वो बताएगा. ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ये बताता है कि ऑल द एक्सपेंसेस और ऑल द इनकम्स के बेसिस पे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, जो आपके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को शो करता है. ओके, तो हम लोग दोनों अकाउंट को कंबाइन करके बनाते हैं, जिसको ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बोला जाता है, जो फाइनलाइज आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का रिपोर्ट देता है. देन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि आपके बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू कितनी है,
आपके बिजनेस में कितने लाइबिलिटीज है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और जब भी आप उसको देखना चाहते हैं एट एनी पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसका एक स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू कितनी है, देन लाइबिलिटी कितने की। देन हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स कैन बी मेंशनड इन मेंटेन्ड इन अकाउंट कैन सॉरी अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड इन मैनुअल इन बुक, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग बोलते हैं, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो हम लोग टैली में करते हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग, या फिर और भी बहुत सारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिस पर हम लोग अकाउंटिंग हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके, तो फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये एक लीडिंग अकाउंटिंग पैकेज है जिसमें आप ना केवल अकाउंटिंग साथ ही साथ इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री फीचर्स प्रोवाइड करता है। कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एनी बिजनेस, ये आपको अकाउंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप हर तरह के इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, सारे चीज़ों को। इजी टू यूज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी ऑप्शन अवेलेबल है। मल्टी लैंग्वेज मीन्स कि हम लोग इंग्लिश में यूज करना चाहते हैं इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, हिंदी में यूज करना चाहते हैं हिंदी में, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है टैली में, जिसको आप चेंज करके अपने लैंग्वेज में भी आप उस पर वर्क कर सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, बाकी आप उसमें लैंग्वेज फीचर्स भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक टैली के फीचर्स होते हैं। देन इंटरफेस ऑफ टैली हमने पढ़ा था, कंपनी क्रिएशन हम लोग सीखा, कंपनी क्रिएशन एंड गेटवे ऑफ टैली इंटरफेस के बारे में सीखा था, कंपनी इन्फो देखा था कि सेलेक्ट कंपनी क्या होता है, क्रिएट कंपनी क्या होता है, शट कंपनी क्या होता है। ओके, हम लोग बैकअप और रीस्टोर भी पढ़ेंगे आगे कैसे बनाते हैं। ओके, देन हम लोग फीचर्स ऑफ टैली में देखते हैं ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो अकाउंटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा आपको, इन्वेंट्री ऑप्शन प्रोवाइड करेगा आपको, स्टैट्यूटरी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि टैक्सेशन से रिलेटेड, GST हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, ये सबसे रिलेटेड आप इसमें वर्क कर सकते हैं। देन आपको पेरोल मेंटेन का भी फैसिलिटी टैली प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसका यूज भी नहीं करते हैं, बट पेरोल मेंटेन के लिए टैली आपको बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है, और बहुत बेटर वे में आप इसमें पेरोल भी मेंटेन कर सकते हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो हम ये सारे चीज़ों को सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होगा, टैक्सेशन से रिलेटेड, स्टैट्यूटरी रिलेटेड हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, मेंटेन करेंगे, देन पेरोल भी हम लोग सीखने वाले हैं टैली, और पेरोल मैं आपको एक्सेल में भी बताऊंगा, और ये सारे चीज़ों को मैं एक्सेल में भी बताऊंगा आप लोगों को, और एक्चुअली टैली और एक्सेल को कंबाइन कैसे करके वर्क करते हैं, एक्सेल के फाइल को टैली में ले जाना, तो वो सारे चीज़ों को भी हम सीखेंगे, या फिर टैली से एक्सेल में कैसे डेटा एक्सपोर्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ों को आगे धीरे धीरे सीखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे जब हम लोग वर्क करेंगे। चलिए हम लोग ग्रुप और लेजर देखते हैं, ये तो बेसिक ऑफ अकाउंट्स और टैली के बेसिक फीचर्स थे। देन ग्रुप्स और अकाउंट्स, ग्रुप्स और लेजर क्रिएशन का क्या फंडा होता है टैली पे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग सेक्शन के लिए। ओके, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, देन हम लोग यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हूँ मैंने, टू मेंटेन अकाउंट्स इन टैली वी नीड लेजर एंड ग्रुप। ओके, सो अगर हम लोग टैली में अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को जरूरत होती है लेजर की और ग्रुप की। लेजर क्या होता है, लेजर इज अ अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेजर इज अ अकाउंट हेड, विथ इट वी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। लेजर क्या होता है, सिंपली एक अकाउंट हेड होता है जिसके बेसिस पे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉर्ड्स करते हैं ट्रांजेक्शंस को। ऑल वाउचर्स एंट्रीज हैव टू बी पास्ड यूजिंग लेजर, इसको अच्छे से समझिएगा, ऑल वाउचर्स एंट्रीज हैव टू बी पास्ड यूजिंग लेजर। इट मीन्स कि हम लोग जो भी वाउचर एंट्रीज करेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग करेंगे, वो हम लोग लेजर के थ्रू ही करते हैं, यानी कि लेजर अगर आपने गलत बना दिया तो आपका सारा ट्रांजेक्शन गलत होगा। सो इसलिए लेजर ध्यान से बनाना सीखेंगे, और लेजर बनाने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रुप समझना। सेम लेजर आर ब्रिंग टूगेदर इन इज कॉल्ड ग्रुप, सेम लेजर आर ब्रिंग टूगेदर इज कॉल्ड ग्रुप, मीन्स
यू हैव डिफरेंट लेजर अकाउंट, जब आप उसको किसी एक पर्टिकुलर आइटम में रखते हैं तो आप उसको ग्रुप बोलते हैं। इट मीन्स ग्रुप क्या होता है, मल्टीपल लेजर्स को अपने अंदर रखता है। देर आर मेनी प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टैली, आपको टैली पहले से मल्टीपल ग्रुप्स बना कर देता है जो पहले से प्री डिफाइंड होता है। अकाउंट ग्रुप प्रोवाइड यू द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर अकाउंट, ओके, अकाउंट ग्रुप आपको ऑर्गेनाइज करने का एबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन यू कैन क्लासीफाई ऑल द लेजर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, हम लोग उसके फंक्शंस के बेसिस पे लेजर्स को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अ लेजर कैन बी ग्रुप्ड एट अ टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन, हम लोग लेजर को ग्रुप में ऐड करते हैं जब हम उसको बनाएंगे, यानी कि उसके क्रिएशन, उसको बनाने के समय। ग्रुप ऑफ एनी अकाउंट कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, हम लोग ग्रुप को और अकाउंट्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ये हम लोग समझेंगे जब हम लोग वर्क करेंगे। देन आपके पास टोटल 28 ग्रुप्स होता है जो टैली आपको प्री डिफाइंड रेडीमेड बना कर देता है। 15 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप, 13 को बोलते हैं सब ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप में डिफरेंसेस क्या है, तो प्राइमरी ग्रुप आर मेन ग्रुप एंड सब ग्रुप्स आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। सपोज बैंक अकाउंट, बैंक इज अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट, ओके, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट। तो ये सब जो होता है ये सब सब ग्रुप होता है, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ही ये शो होता है। तो ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स्ड एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड लाइबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट, सेल्स, सस्पेंस अकाउंट, दीज आर द 15 प्राइमरी ग्रुप्स। एंड बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट, ड्यूटीज एंड टैक्सेशन, देन लोन एंड एडवांसेस, प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड लोन, दीज आर द 13 सब ग्रुप्स। तो इनका कैसे यूज होता है ये हम लोग देखेंगे टैली पे, ये बेसिक फंडामेंटल है। देन सब ग्रुप क्या होता है तो सिंपली समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, सन्ड्री डेटर, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन ग्रुप। मेन ग्रुप के अंदर हमने दो ग्रुप बनाया, नॉर्थ एंड साउथ डेटर, दीज आर द सब ग्रुप्स। देन हम लोग ने नॉर्थ के अंदर बना दिया पंजाब डेटर, यूपी डेटर, ओके, दीज आर द सब ग्रुप्स। देन इसके अंदर हम लोग ने बना दिया एक नाम, श्याम एंड कंपनी, एबीएन कंपनी, ये डेटर में मेरा सिंह ब्रदर्स ट्रेडर्स, देन धर्मराज एंड कंपनी, ओके, देन ये सब क्या हो गया, श्याम, एबीसी, सिंह, धर्मराज, ये लेजर अकाउंट होता है। इट मींस कि लेजर सब ग्रुप के बेसिस पे या फिर ग्रुप के बेसिस पे बनाया जाता है। तो मेन ग्रुप का जब पार्ट करेंगे तो वो सब ग्रुप बनेगा, और सब ग्रुप के अंदर जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसको लेजर अकाउंट बोलते हैं, ओके। देन हम लोग हर एक लेजर अकाउंट को बढ़िया से समझते हैं, इट मींस कि हम लोग ग्रुप्स को बढ़िया से समझते हैं कि लेजर अकाउंट बनाते समय जब हम लोग कोई ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं, ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो वो किस बेसिस पे करेंगे, ओके। देन चलिए तो सारे लेजर ग्रुप्स को देखते हैं हम लोग। देन फर्स्ट है आपका बैंक अकाउंट, ओके, चलिए टैली पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हम लोग जब अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर और ग्रुप, ग्रुप में जाएंगे तो डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले में आपको दिखेगा सारे अकाउंट्स के नेम यहाँ पर, ठीक है, सारे ग्रुप्स अकाउंट के नेम जो ग्रुप्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको देखेंगे, ओके, बैंक अकाउंट, ऑल बैंक करेंट अकाउंट, ओके, जितने भी बैंक्स के नेम होंगे जैसे SBI बैंक, केनरा बैंक, PNB बैंक, सारे बैंक्स को हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वैसे अकाउंट को हम लोग इसमें मेंशन करेंगे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इट मींस कि अगर आपके पास जीरो बैलेंस भी है तो भी आप उससे ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। देन बैंक ओसीसी, बैंक ओसीसी क्या होता है, तो बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट होता है ये।
ये बेसिकली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ही होती है, जिसको ओवरड्राफ्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। देन ब्रांचेस एंड डिवीजन, ब्रांचेस एंड डिवीजन हम लोग सपोज आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आपकी कोई ब्रांचेस है आपके बिजनेस की, और आप गुड्स को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में आपको ब्रांच और डिविजन्स का रिकॉर्डिंग करना होता है। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली बनाया जाता है जब आप अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेंशन करना होगा कैपिटल अकाउंट में, या फिर आप अपने बिजनेस में ड्यूरिंग बिजनेस ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड या फिर क्वार्टरली पीरियड और कभी भी बीच में जब आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी कैपिटल अकाउंट में ही किया जाता है। बट ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि हम लोग बार बार कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बहुत ज्यादा यूज होगा। अ कैश लेजर इज कॉल्ड कैश इन हैंड अकाउंट। कैश लेजर मीन्स कि सपोज आपने सामान बेचा कैश, तो कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट होगा जो कैश इन हैंड में जाएगा। ओके, तो कैश इन हैंड मीन्स कि कैश अकाउंट। देन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का बहुत सब ग्रुप होता है। स्टॉक इन हैंड, आपको स्टॉक को दिखाना है, आप डिपॉजिट किए हैं वो दिखाएंगे कैश करंट एसेट में, आप लोन एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस यानी कि बैंक अकाउंट, देन सनरी डेटर, तो दीज आर द सब अकाउंट, सब ग्रुप्स अकाउंट्स। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो करंट एसेट्स के अंदर में बहुत सारे सब अकाउंट्स होते हैं। सो स्टॉक इन हैंड हम लोग बेसिकली यूज करते हैं स्टॉक के लिए। ओके, देन डिपॉजिट अगर कर रहे हैं तो डिपॉजिट यहाँ पर आएगा। लोन एंड एडवांसेस, अगर हम लोगों ने किसी से किसी को लोन दिया है या फिर एडवांस दिया है तो उसको हम एसेट्स के रूप में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। देन कैश इन हैंड अभी बताया मैंने, बैंक अकाउंट पढ़ा मैंने, सन्डे डेटर यानी कि अगर आपने किसी को सामान बेचा है क्रेडिट पे, जो पर्सन आपको बाद में पैसा देगा, इन फ्यूचर आपको पैसा देगा, तो उसको हम लोग सन्डे डेटर अकाउंट पे ग्रुप पे रखेंगे। इट इज बेटर प्रैक्टिस टू क्रिएट लेजर अकाउंट अंडर एप्रोप्रिएट सब ग्रुप रदर देन क्रिएटिंग लेजर डायरेक्टली अंडर करंट एसेट ग्रुप। ये बोला गया है कि अगर आप लेजर अकाउंट जब बना रहे हैं तो आप उसको एप्रोप्रिएट ग्रुप में रखें, ठीक है, सब ग्रुप में रखें। ऐसा नहीं कि आप सारे को, आप अगर पर्सन का नाम भी बना रहे हो तो आप करेंट एसेट्स में दिखा दिए, ना कि संडे क्रेडिटर में। आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो आप करेंट एसेट्स में दिखा दिए, बैंक अकाउंट में नहीं दिखाए, तो इससे क्या होगा कि आपको रिपोर्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी रिपोर्ट सही बनेगा लेकिन आपको रिपोर्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपका अमाउंट सही आएगा लेकिन वो आपके लिए सही नहीं होगा आगे। इसलिए ये सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो आप उसके एप्रोप्रिएट सब ग्रुप में डालें उस आइटम को, उस ग्रुप को, ना कि डायरेक्टली आप मेन ग्रुप में रख दें उसको। ओके, तो ये भी हम लोग समझेंगे बेटर वे में जब हम लोग टैली पे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ये सिर्फ थ्योरी में समझा रहा हूँ। सपोज कि मैंने सुनील का एक अकाउंट बनाया, तो सुनील मेरा संडिक्रेट डेटर है, तो संडी डेटर में ना रख के मैंने उसको करंट एसेट में रख दिया, तो इससे क्या होगा कि जब आप रिपोर्ट देखेंगे और आपको ये देखना होगा कि मेरे को कितने जगह से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आप इसमें कैश भी दिखा रहे हैं, आप इसमें क्रेडिट भी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा क्योंकि संडी डेटर तो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं, आप तो डायरेक्टली करंट दिखा दिए, तो आपको कैसे पता चला है कि वो संडी डेटर के अंदर था या बैंक के अंदर था या कैश के अंदर था या लोन के अंदर था, आपको वो करंट एसेट्स का बैलेंस दिखाएगा, दैट तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स व्हाई सजेशन है कि जब भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो मेन अकाउंट पे, मेन ग्रुप पे ना रख के हम लोग सब ग्रुप्स में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, देन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है, आपको कोई टैक्स पे करना है, आप देन प्रोविजन हो गया, आपने कोई प्रोविजन निकाल के रखा है कोई फ्यूचर लॉस के लिए, या फिर आपका कोई संडी क्रेडिटर है, इट मीन्स आपने किसी से उधार में क्रेडिट पे सामान परचेज किया हुआ है और आपने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए हैं, दैट इज कॉल्ड आवर लाइबिलिटीज, या फिर आपने कोई लोन लिया है, तो वो सब आपके लाइबिलिटीज होते हैं जिसको करंट लाइबिलिटीज के अंदर रखा जाता है।
देन डिपॉजिट, अभी मैंने बताया लाइक फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट के लिए आपने कुछ डिपॉजिट किया है, टेलीफोन के लिए आपने कुछ डिपॉजिट किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपने डिपॉजिट किया है, जिसको बाद में इन फ्यूचर आप यूज करेंगे, तो आप ये सब डिपॉजिट्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं जो आपके लिए एसेट होता है, ठीक है। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर जनरली रिलेटेड टू द परचेज और मैन्युफैक्चरिंग। वैसा एक्सपेंसेस जो परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जैसे कि आप वेजेस पे करते हैं लेबर को जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, या फिर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, आप कोई फ्राइट चार्ज दे रहे हैं रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आप कोई कैरेज भाड़ा दिए, आप कोई अदर एक्सपेंसेस किए, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होता है, तो वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आता है। सिमिलरली अगर आप कोई सेलिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, सेलिंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है आपका, जिसे आप सैलरी पे कर रहे हैं, आप शॉप का रेंट पे कर रहे हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग से रिलेटेड होगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी कि कोई भी वैट, जीएसटी, सेल टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, तो बहुत सारे टैक्सेस पहले होते थे, अभी सारे टैक्सेस को कंबाइन करके जीएसटी कर दिया गया है। तो जीएसटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग ब्रीफ जानेंगे। बाकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं वो सारी चीजों को, सारे अकाउंट्स को इसके अंदर रखा जाता है। देन डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम बेसिकली कैश सेल्स से ही आते हैं, या फिर आपके पास कोई स्क्रैप, कोई वेस्टेज बचा हुआ है, तो वो सारी चीजों को सेल करने से जो इनकम होंगे वो डायरेक्ट इनकम होंगे। और इनडायरेक्ट इनकम यानी कि जैसे आपने रेंट रिसीव किया, आपने कमीशन रिसीव किया, आपने डिविडेंड रिसीव किया, तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था अभी, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरी हो गया, रेंट रेंट पे किया आपने, कमीशन पे किया है, तो ये सारे अकाउंट्स को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट्स बोलेंगे। ओके, अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी एक्स्ट्रा मनी जब आप अपने बिजनेस में रिसीव करेंगे तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम के हेड पे रखेंगे। देन फिक्स्ड एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जिसको आप लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिजनेस में यूज करने के लिए परचेस करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, या फिर कोई फर्नीचर आपने परचेज किया है बिजनेस यूजिंग पर्पज से, आपने कोई ट्रेड लाइसेंस लिया है, आपने प्लांट परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है, इक्विपमेंट लिया, आपने कोई पेटेंट लिया है, तो ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसको हम इस ग्रुप में रखते हैं। देन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में, बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। लोन आपने किसी को दिया है लोन रिलेटेड, सैलरी एडवांस में दी है, आपने परचेज के लिए एडवांस पेमेंट किया है, देन उसको लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में रखेंगे। सिमिलरली अगर आपने किसी से लोन लिया है, उधार लिया है, तो आप उसको लोन लाइबिलिटी में रखेंगे, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको पे करना है। देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है बहुत सारे। ओके, देन प्रोविजन अगर आपने कोई रखा है इनकम टैक्स के लिए, बैड डेब्ट्स के लिए। बैड डेब्ट्स यानी कि आपने माना है कुछ पैसे हो सके डूब सकते हैं, तो आपके आपने उसके लिए क्या किया है कि कुछ प्रोविजन करके रखा है, क्योंकि सारे डेटर एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि आपका 90% पैसा रिकवर होता है, 10% मार्केट से पैसा डूब जाता है, जनरली केसेस में ऐसा होता है। ओके, तो उसके लिए अगर आपने कोई प्रोविजन रखा है तो वो सब आपके प्रोविजन में चाहेंगे। देन परचेज अकाउंट, लोकल परचेज किया है, परचेज कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कोई रेट के बेसिस पे परचेज है, तो सारा परचेज का अकाउंट परचेज अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली सेल से रिलेटेड होगा, लोकल सेल, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, कैश, क्रेडिट सेल, तो सारा उसमें जाएगा सेल्स में। रिटेन अर्निंग से रिलेटेड कुछ होगा, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम रिजर्व, तो ये सब रिटेन अर्निंग में जाएगा। देन सेल्स में अभी बताया लोकल, कैश, क्रेडिट, कोई भी सेल, सिक्योर्ड लोन से रिलेटेड अगर कोई होगा जैसे बैंक फाइनेंस, जैसे अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड होगा, यानी स्टॉक में स्टॉक मेंटेन करेंगे। ओके, क्रेडिटर संडी डेटर के बारे में बताया, क्रेडिट और कैश परचेजिंग के केस में अगर हम लोग किसी से सामान परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो मेरा सप्लायर मेरा क्रेडिटर होगा, और अगर हम लोग किसी को सामान बेच रहे हैं क्रेडिट पे, तो वो पर्सन मेरे लिए
डेटर होगा, देन सस्पेंस अकाउंट, ट्रेवलिंग और ये सब जो भी सस्पेंस से रिलेटेड अकाउंट आएगा इसका यूज रेयरली यूज होता है। देन हम लोग ये सब चीजों को आगे देखेंगे, लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं, मॉडिफिकेशन डिस्प्ले कैसे होगा, देन ग्रुप क्रिएशन मॉडिफिकेशन डिस्प्ले कैसे होगा, अल्टरेशन कैसे करेंगे, वो सब चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। और ये हम लोग आते हैं वाउचर्स पे। ओके, तो दीज आर द वाउचर्स। वाउचर्स मीन्स आपको बताया कि बेसिकली अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग वाउचर का यूज करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, टैली में हम लोग एप्रोप्रिएट टैली वाउचर देखेंगे जिसको हम लोग फाइनेंशियल पोजिशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 वाउचर्स होते हैं जो अकाउंटिंग वाउचर्स में मेनली यूज किए जाते हैं, जो हम लोग सीखेंगे कि इनका यूज पर्टिकुलरली किस पर्पस के लिए और कब यूज किया जाता है। थोड़ा बेसिक हमने जाना था। देन इन्वेंटरी वाउचर्स में हम लोग देखेंगे कि परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट क्या होता है, स्टॉक जर्नल कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डिलीवरी नोट बनाना है, रिसीट नोट बनाना है, फिजिकल स्टॉक का रिकॉर्ड बनाना है। तो ये केवल इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक से रिलेटेड होता है, जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज्यादातर यूज किया जाता है इसका, या फिर आप बहुत बड़े होलसेलर हैं तो आप इसका यूज ज्यादा करते हैं। देन अकाउंट तो हर जगह यूज होता है। सो हम लोग खुद का वाउचर भी बना सकते हैं टैली पे अगर रिकॉर्डिंग के लिए नेसेसरी होता है, तो यू कैन क्रिएट योर ऑन वाउचर टाइप। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर। देन कॉन्ट्रा फर्स्ट, ट्रांजेक्शन्स बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट आर रिकॉर्डेड। तो कॉन्ट्रा का यूज हम लोग कब करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर उसी केस में यूज होगा जब कैश और बैंक के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हो। ओनली कैश और बैंक, इसके अलावा कोई अदर लेजर अकाउंट नहीं होना चाहिए। ओके, देन पेमेंट, ऑल बैंक एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। जितना भी बैंक पेमेंट होगा, चेक से किए हैं या फिर कोई अदर फैसिलिटी ऑनलाइन बैंकिंग से किए हैं, आप कैश पेमेंट किए हैं तो सारे रिकॉर्डिंग को पेमेंट में करेंगे। रिसीट जस्ट अपोजिट, अगर कोई भी पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे वो बैंक में रिसीव हो, कैश रिसीव हो, चेक से रिसीव हो, ऑनलाइन रिसीव हो, तो वो आपके रिसीट में जाएगा। देन जर्नल, यूज टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस जिसमें कैश और बैंक का कोई भी बात नहीं होगा, क्रेडिट से रिलेटेड सारे चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। देन परचेज, यूज टू रिकॉर्ड परचेज, अगर हम लोग बिजनेस में कोई सामान परचेज करते हैं, यानी कि आपको गुड्स परचेजिंग का रिकॉर्डिंग दिखाना है, सामान का लिस्ट है आपके पास, तो आप उसको परचेज में, सिमिलरली अगर आप कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं देन आप उसको सेल पे दिखाएंगे, तो इसमें इन्वेंट्री का यूज होता है। देन क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोग क्रेडिट यानी कि रिटर्न को दिखा रहे हैं। ओके, देन डेबिट नोट हम लोग बनाते हैं जब हम लोग रिटर्न को दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न को दिखाते हैं और क्रेडिट नोट में हम लोग परचेज रिटर्न को दिखाते हैं। इट मींस कि अगर आपने कोई सामान परचेज किया है, आपने कोई सामान सेल किया है, तो सपोज आपने सेल किए हुए सामान को जब आप बिजनेस में वापस पाते हैं किसी डिफेक्टिव के कारण, आप कस्टमर आपको वापस कर गया कोई सामान, तो आप उसको क्रेडिट नोट में दिखाएंगे। सिमिलरली अगर कोई कस्टमर आपको सामान क्रेडिट नोट में आप उसको रखे, यानी कि आप जिससे परचेज किए आप अपने सप्लायर को उसको रिटर्न करेंगे, तो आपको उसको परचेज रिटर्न के बेसिस पे डेबिट नोट में दिखाना होता है। तो ये अकाउंट्स वाउचर होते हैं जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, सो इन्वेंटरी हम लोग बाद में देखेंगे। देन हम लोग आते हैं हाउ टू ओपन टैली। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये चीज हमने पहले से सीख चुका है कि हाउ टू ओपन टैली, टैली को कैसे ओपन करते हैं। देन हाउ टू क्रिएट कंपनी, कंपनी कैसे बनाएंगे। ओके, देन हाउ टू चेंज द डिटेल्स ऑफ अ कंपनी, आपको डिटेल्स चेंज करना बताया था अल्टर में जाकर। देन हाउ टू शट कंपनी, कंपनी को बंद कैसे करेंगे, ये भी हमने देखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने देखा था, तो हम लोग अब आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इससे रिलेटेड अभी जो आपने वीडियो देखा, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया,
मैं नेक्स्ट वीडियो में जब टैली पढ़ाऊंगा तो उसमें वो टॉपिक लास्ट में या फर्स्ट में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ताकि आप आगे बढ़ें तो बिना डाउट के आगे बढ़ें। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को वन टाइम में समझ में आ जाता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा वीडियो देखें, उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उसके लिए एक इजी और इफेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा और उस पॉइंट को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपका क्लियरिफिकेशन हो जाए और आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। ओके, सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करें जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।